you हाय एवरीवन वेलकम टू गार्डन क्लास आज के सेशन में हम देखेंगे कि फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है उसके लिए सबसे पहले हम सारे ग्राफ्टिंग टूल चाहे प्रूनर नाइफ पेपर नाइफ़ और सीजर जो जो चीज़ों को यूज़ करेंगे सबको सेवलन सेनेटाइज़ कर लेते हैं आप एल्कोहल या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी ले सकते हैं सबसे पहले हम ये देखें इस फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड एप्पल के पेड़ को काट लेते हैं देखिए यहाँ से हमने काट लिया है इसको और इसको हम टॉप से जो टॉप व्यू है उसको चार हिस्सों में बांट के हम उसको कट लगा देंगे दो से ढाई इंच नीचे का चार हिस्सों में इसको बांट के हम कट लगा देंगे जनरली इसे पेकन ये देखिए पेकन है इसको पेकन का फल और ये पेकन का फल और पेड़ पेकन पे किया जाता है क्योंकि इसका स्किन बहुत ठीक होता है लेकिन हम कस्टर्ड एप्पल में कस्टर्ड एप्पल में इसको करके दिखा रहे हैं हमारे पास पैकन नहीं इसलिए हम कस्टर्ड ऐपल क्योंकि कस्टर्ड एप्पल और पेकन के जो स्किन होते हैं वो ठीक होते हैं तो ये हम फोर, फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग या बनाना ग्राफ्टिंग कहते हैं जिसमें टहनी को हम चार हिस्से में सबसे पहले काट लेती है देखें मेज़र करके इसको हमने चार हिस्से में काट लिया है और अब हम इसको इसके स्किन को अलग करेंगे बार्क को जिसको छिलका कहते हैं क्योंकि इसको फोर फ्लैप इसलिए कहते हैं कि इसको है। चार हिस्से में काट के और इसके छिलका को अलग कर लिया जाता है ये बार्क है और इसको ऐसे पेड़ में परफॉर्म किया जाता है जिसका छिलका काफ़ी मोटा हो थिक बार्क ट्री के ऊपर इसे परफॉर्म किया जाता है क्योंकि पेकन के ट्री का छिलका बहुत मजबूत होता है तो उस पर इस तरह के ग्राफ्टिंग की जाती है और ये ग्राफ्टिंग बहुत मजबूत होता है क्योंकि इसमें बहुत ही मज़बूत ग्रिपिंग मिलती है और पैर अगर 40-50 मीटर का भी हो जाए फिर भी पैर कभी डैमेज नहीं होता और वहाँ से नहीं टूटता इसलिए इसको परफॉर्म किया जाता है ऐसे पैर पे जिसके छिलका मजबूत हो ठीक हो तो ये देखें चार हिस्सों में हमने इसको काट लिया है दो से ढाई इंच का एरिया जनरली दो इंच तक का रखें या ढाई ढाई इंच तक भी कर सकते हैं और फिर इसको हम ये पीच का बहुत ध्यान से ताकि कोई स्किन नहीं कट जाए स्किन को छोड़ते हुए सिर्फ लकड़ी को हम काट के अलग कर देते हैं ये देखें चार हिस्सों में अब इसको हम कैंची से एक लेवल में चारों बार्क को हम काट लेते हैं ये देखें इसके ऊपर आप चाहें तो रबर स्टिप लगा देते हैं आप रबर स्टिप लगा के करें तो ज़्यादा आसान रहता हम बिना रबर के कर रहे हैं आप रबर रबर स्टिक के साथ भी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और ये देखें एक हमने एक हाइब्रिड का जो कस्टर्ड एप्पल है उसका हमने एक ब्रांच लिया और इस ब्रांच के एक हिस्सा काट लेते हैं जिसमें कम से कम दो नॉड ऊपर हो जहाँ से बाद में ब्रांचेज़ निकलेंगे और बाकी हिस्सा को हम नीचे डालेंगे तो इतना बड़ा लें ताकि वो छः से आठ इंच का होना चाहिए आठ से दस इंच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो से ढाई इंच एरिया इसका नीचे जाएगा तो मेज़र करके इसके नीचे से दो से ढाई इंच एरिया का बार्क यानी स्किन को निकाल दें उसके छिलका को अच्छी तरह से इस तरह से पहले राउंड में कट लगाएं फिर एक वर्टिकल कट लगाएं और उसके बाद इस तरह से जो ग्राफ्टिंग नाइफ़ का जो एक पील रिमूवर होता है उसकी मदद से इस तरह से छिलका को कोशिश करें कि एक पीस में निकल जाए और बाकी स्किन उसका डैमेज नहीं होना चाहिए इस तरह से निशान बना के और इसको निकाल लें और कोशिश करें कि वो लकड़ी पे उंगलियों के निशान कम हो लकड़ियों को टच मत करें हाथों से क्योंकि ग्राफ्टिंग थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ होता है और आपको बता दें कि ग्राफ्टिंग कोई रॉकेट सेंस नहीं है एक दो बार आप करेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे ध्यान तो से हमारे सारे स्टेप्स को देखें और आप ग्राफ्टिंग करें ये ग्राफ्टिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होता जिसको है जिसको फोर फ्लैप कहते हैं देखिए हमने उसको उसमें इंसर्ट कर दिया है थोड़ा एक्स्ट्रा था उसको हमने काट भी दिया है और उसी लेवल तक होता कि ये स्किन और ऊपर वाला जो ब्रांच है यानी आपका रूट स्टॉक और साइन साइन ऊपर का हिस्सा हो गया रूट स्टॉक नीचे का हो गया दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए स्किन हो जाए आप या तो पूरा स्किन हमने निकाला है आप चाहें तो चार कट लगा के चार स्किन को उसमें भी टच कर सकते हैं वो भी एक तरीका है जिसको हम बाद में आपको करके दिखाएंगे एक और फोर फ्लैप बनाना ग्राफ्टिंग करके ये वाला देखा इस तरह से ग्राफ्टिंग टेप से बहुत ही ध्यान से बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पेशेंस और केयरफुली ग्राफ्टिंग टेप से एक टेप से हम इसको बांध दे रहे हैं और इसके ऊपर से एक और लेयर टेप का हम लगाएंगे क्योंकि इसको ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है ये देखें हम डायरेक्ट ग्राफ्टिंग टेप को लगा के आपको दिखा रहे हैं बहुत ध्यान से करें ताकि डैमेज नहीं हो पाए इस तरह से टाइटली एक बार और हम इसको रैप कर देंगे अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से रैप कर लें और उसके बाद इसको किनारे से ब्रेक करके इसको एक नॉट लगा दें इसी को रोटेट करते हुए ये देखें बहुत आसान है कोई भी ग्राफ्टिंग हो चाहे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हो चाहे विप ग्राफ्टिंग हो स्प्लाइस हो सब ग्राफ्टिंग हम एक एक करके आपको बताएंगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आप अपडेट देखते रहें ये देखें और उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से उसको ढक के हमने सुतली से बांध दिया है इस तरह से और इसको हम चार से पाँच हफ्ते बाद जब इसमें बड निकल आएंगे तो आपके साथ हम शेयर करेंगे अपने रेफरेंस के लिए एक डेट डाल लें और इसको बस वेट करें और चूँकि ट्रांसप्रेंट पॉलीथीन है तो इसको देखते रहें कि इसमें कब बड आता है तो ये था फोर फ्लैप ग्राफ्टिंग कस्टर्ड एप्पल का जिसको बनाना ग्राफ्टिंग भी कहते हैं सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी थैंक यू सो मच